नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, राजस्थान में वोटिंग के ठीक बाद कांग्रेस का बड़ा एक्शन, दो खास नेताओं को किया सस्पेंड, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में दूसरे चरण के कई सीटों पर अपनों की नाराजगी का सामना करते आ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों को अब चुनाव में भीतरघात का डर सता रहा। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने अपने ही दो खास नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक अमीन खान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी बालेंदु सिंह शेखावत को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दोनों नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। दरअसल राजस्थान में दूसरे चरण की कई सीटों पर अपनों की नाराजगी का सामना करते आ रहे कांग्रेस प्रत्याशियों को अब चुनाव में भीतरघात का डर सता रहा है। दूसरे चरण की जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर जैसी लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं के असहयोग और भीतरघात की शिकायतें प्रदेश तक पहुंची थी, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व की ओर से ऐसे कार्यकर्ता नेताओं पर नजर रखने के निर्देश जिला इकाई के अध्यक्षों और प्रभारियों को दिए गए थे। शिकायतों के बाद शुक्रवार रात दो नेताओं पर कार्रवाई की गई है। जैसलमेर बाड़मेर में तो कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जिला कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं हुई दो दड़ों में बटे हुए हैं। रालोपा से कांग्रेस में आए उम्मेदाराम बेनीवाल को लेकर पूर्व मंत्री अमीन खान खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं पार्टी के अन्य नेता भी अंदर खाने नाराज है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार रावता रोत को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के असहयोग का सामना करना पड़ा है। कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर खाने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर के लिए काम करने की शिकायतें पीसीसी तक पहुंची थी। वहीं कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को भीतरघात का डर सता रहा है। पार्टी के एक धड़े ने उनसे दूरी बना रखी है। भाजपा से कांग्रेस में आए गुंजल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर यहां भी जिला इकाई दो धड़ों में बटी हुई थी। जोधपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ऊंचीअड़ा को भी भीतरघात का डर सता रहा। इधर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के मतदान के बाद भीतरघात की शिकायतों को लेकर पूर्व मंत्री अमीन खान और जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव बालेंदु सिंह शेखावत को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं नागौर से गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेलीवाल ने कांग्रेस नेतृत्व से पार्टी नेताओं के भीतरघात की शिकायतें की थी, जिस पर कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइन।